हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज से मैं अपना चैनल स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें मैं अपनी जो ब्लॉगिंग है, जो डेली रूटीन है, तो उसको आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ में मैं अपने रोज के काम में और क्या क्या चीज़ें करती हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी कि मेरी हॉबी वगैरह क्या है। मैं DIY भी आपके साथ शेयर करूंगी, कुकिंग है। DIY तो पहले मैं बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन अब क्या है कि एक हाउस वाइफ हूँ जिसके कारण रोज़ रोज़ तो मैं DIY नहीं कर सकती, लेकिन जब कभी अपने रूम का या कुछ मेकओवर करना होता है या फिर कभी मन करता है तो ज़रूर DIY करती हूँ। साथ में कुकिंग है, कुकिंग में भी मुझको काफ़ी इंटरेस्ट है और कुकिंग करने में काफ़ी मज़ा भी आता है। तो कुकिंग इसलिए कि एक तो मेरा सब्जेक्ट जो था तो वो फूड एंड न्यूट्रिशन था, जिसके कारण कि मुझको कुकिंग वगैरह में काफ़ी मज़ा आता है। और साथ में घर का ऑर्गेनाइजेशन, मैं कैसे घर को ऑर्गेनाइज करती हूँ, कैसे अपने घर को मेंटेन करती हूँ, और साथ ही जो है तो कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ऐसा था कि सब कुछ घर से ही रिलेटेड है, तो कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। घर में जो भी करती हूँ तो वो मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगी। और यदि आपको मेरा कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, यदि आपको मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगती है, मेरा DIY, मेरा ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुकिंग, जो भी आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस तरह से मैं आपके साथ कुछ ना कुछ जरूर शेयर करूँगी और अपने लाइफ के डेली रूटीन दिखाऊँगी। तो आज का अब ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगी और आपको बता दूँ, हाँ साथ में मुझको जो है तो ग्रीनरी से बेहद लगाव है। मैं कहीं भी प्लांट देखती हूँ, यदि मैं कहीं घूमने भी जाती हूँ कहीं कुछ प्लांट दिख जाता है, और मैं कटिंग भी ले आती हूँ कि कटिंग और उसको लगा लेती हूँ। तो इस तरह से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मुझको ग्रीनरी में है कि उसको लगाने में और रखने में बड़ा मज़ा आता है। अब उसके लिए केयर करना, अपने प्लांट की केयर करना भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे अपने प्लांट दिखाऊंगी, अपने पेट दिखाऊंगी कि मेरे पेट कौन कौन से हैं, और सबसे आपको मिलवाऊंगी भी। तो आज जो है तो आज मैं अब ज़्यादा बात नहीं करती हूँ आपसे, और आज मैं आपके साथ एक DIY शेयर करूंगी। मेरा क्या है कि सोफ़ा है जो कि फैब्रिक का है, और फैब्रिक का होने के साथ सबसे बड़ी बात उसमें क्या है कि उसका जो टेक्सचर है तो वो थोड़ा सा रफ़ है। तो रफ़ होने के कारण क्या होता है, मतलब खुरदुरा टाइप का है, तो उसमें डस्ट वगैरह जो होती है तो बहुत जल्दी जम जाती है, जिसको क्लीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सोचा कि कुछ उसको नया लुक भी दे दे और उसकी सेफ्टी भी हो जाए, तो कुछ एक मॉडर्न लुक भी हो गया, क्योंकि एक ही चीज़ को देखते देखते हम बोर भी हो जाते हैं। तो सोचा कि क्या नाम से उसको नया लुक दे दे और साथ में कुछ अपने जो सोफे की सेफ्टी है तो वो भी हो जाएगी। और देखिए, आपको हम ये दिखा दें कि ये बगल में जो है आप ये देख सकते हैं, ये एक विंडो है और जो कि इसके पास रोड है। तो इस विंडो को वैसे तो हम लोग नहीं खोलते हैं, और सोफा मेरा कुछ इस तरह से फैब्रिक का है और आप देख सकते हैं फैब्रिक का है, और बहुत जल्दी इसमें डस्ट बैठ जाती है। तो बिल्कुल रोड से कहना चाहिए कि लगा हुआ हमारा ये रूम है, तो काफ़ी डस्ट आती है, विंडो हम लोग नहीं खोल पाते हैं। तो बस इसी कारण से सोफे का कुछ सोच रहा है मेकओवर हो जाए, कुछ लुक भी चेंज हो जाए, कुछ देखने में भी वो चीज़ अच्छी लगने लगी। तो चलिए चलते हैं, करते हैं अपना DIY, और जो कि आपको भी साथ लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि मैं अपने सोफे को एक मॉडर्न लुक या एक नया लुक किस तरह से दूंगी बिना बजट के। मतलब आपका खर्च कुछ भी नहीं लगेगा, आपके घर में जो भी सामान है उसी से हम बना लेंगे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती भी है जो कि डली रहती हैं, जिसको ना हम फेंक सकते हैं ना रख सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि हम किस तरह से अपना DIY करते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो है तो इधर पर मैंने अपनी सिंगल बेडशीट ली थी, जो कि कहना चाहिए कि किसी कारण से जो है तो इसमें गर्म प्रेस लग गया था, तो ये थोड़ी सिंथेटिक सी थी ये बेडशीट, तो तुरंत ही क्या था कि जल गई थी वो, तो जिसके कारण कि इसका यूज़ नहीं हो पा रहा था। तो सोचा कि चलो इसका यूज़ भी कर लेते हैं और साथ में मेरा सोफ़ा जो है तो उसकी सेफ्टी भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो सोफ़ा है तो उसकी पहले लंबाई और चौड़ाई ले लेंगे, और जितनी भी लंबाई चौड़ाई लेंगे उससे 3-4 इंच अपन को एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, क्योंकि क्या है कि इसको सोफ़े के अंदर भी थोड़ा सा कवर करेंगे और साथ में थोड़ा सिलाई
के लिए भी कपड़ा जाएगा, तो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है। इसके बाद नाप लेंगे, ये जो जहाँ पर हम ये नाप रहे हैं तो ये कपड़ा हमने डबल रखा हुआ है, तो डबल रखने से दोनों ही ऊपर और नीचे का जो कहना चाहिए कि उसका कवर है तो वो कट जाएगा एक नाप का। तो इधर पर देखिए इस तरह से काट लेंगे, कुछ भी नहीं करना है और इसमें सिर्फ सिलाई लगाना है, और उसके बाद बहुत आसानी से आपके कवर की जो सेफ्टी हो जाएगी और सोफ़े को एक तो बहुत अच्छा सा लुक भी मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से अब इसको बीच से काट देंगे, इस तरह से काटने से ये दो भाग हो जाएगा, तो एक सोफ़े के पीछे का पोर्शन हो जाएगा और एक सीट का हो जाएगा। तो बस अब इसमें क्या करना है कि सिलाई से या ग्लू गन से भी आप किनारे से इनको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या है कि इसको सुई धागे से ही फोल्ड कर दिया है। तो इधर पर ये कट कर दिया था और दोनों पोर्शन ये अलग अलग निकाल दिए हैं। बस अब इसको करना है इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, इस तरह से करके आप ग्लू गन से भी इसको अच्छे से चिपका सकते हैं या फैब्रिक ग्लू से। और साथ ही इधर पर बस मैंने सुई धागे से इसको पूरी सिलाई डाल दी थी, तो कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा मेहनत है कि इसमें चारों तरफ से सिलाई डालना है और आपके सोफ़े में सेफ्टी हो जाएगी। और बस देखिए इस तरह से जो है तो सोफ़े में अंदर की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है तो उसको डालना है, जिसके कारण कि बिल्कुल टाइट सोफ़े पे आ जाए और बैठने बैठने पे ये निकले भी नहीं, क्योंकि यदि अपन अंदर कपड़ा नहीं डालते हैं तो क्या होगा ना कि कपड़ा जो है तो जो अपना कवर है तो वो बैठने पे खिसक भी सकता है और बाहर निकल। ये देखिए किनारे पे जो है तो बहुत अच्छे से फोल्ड करना है, जिसमें कि उसके कॉर्नर बहुत अच्छे से बन जाए। ये देखिए जो सीट है तो बहुत अच्छे से बिल्कुल कवर हो गई है। अब इसके ऊपर जो है तो पीछे के पोर्शन में भी डालेंगे, तो इसको भी इस तरह से चारों तरफ से जो है तो अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इसको, जिसमें कि बिल्कुल भी कपड़ा बैठने पे ना निकले, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी सरक जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए मैंने कुछ ज़्यादा ही कपड़ा इसमें लिया था, क्योंकि मुझको ये लग रहा था कि पूरी तरह से मेरा सोफ़ा जो है तो अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि मेरे जो डॉगी भी हैं तो वो भी कभी कभी इस पर चढ़ जाते हैं, जिससे सोफ़ा गंदा हो जाता है और वो लोग इसको भी गंदा कर देते हैं। तो ये देखिए इधर पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसको इस तरह से इधर पर सिलाई डाल देंगे, जिसमें कि ये भी बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसे कि मेरे जो पैट है वो जब चढ़ जाते हैं तो जो उसके कवर होते हैं तो वो इधर उधर खिसक जाते हैं। तो ये देखिए आप कि इस तरह से पूरा सोफ़ा जो है एक नए लुक में आ गया है और बहुत सुंदर भी लग रहा था देख के। अब कैमरे में कैसा लग रहा है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से आप बताइएगा ज़रूर कि मेरा ब्लॉग जो है आपको कैसा लगा, और साथ में सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में मेरा जो वीडियो है तो उसको ज़रूर शेयर करिएगा। और इस तरह से जो नए नए मेरे ब्लॉग हैं वीडियो है तो वो समय समय पर आपके पास मिल